तालाब में शव उतराया देख ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ जमा रही। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना अंतर्गत कियावा गांव के समीप स्थित तालाब के पास शनिवार की शाम गांव के कुछ लोग घूमने गए हुए थे, तभी उनकी नज़र तालाब में उतराते शव पर पड़ गई, जिसकी जानकारी गांव के लोगों की दी गई। जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मानिकपुर सुभाष यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। इस दौरान मृतक की शिनाख्त थाना क्षेत्र के जीरुआ बाग निवासी विनोद कुमार पुत्र राम सिंह पटेल के रूप में की गई। शव की पहचान उसकी माँ और उसके बच्चों ने किया। उसकी माँ ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से विनोद नशे का आदि हो गया था, जिससे परिवार के लोग उससे बहुत परेशान रहा करते थे। विनोद चार भाइयों में सबसे छोटा था। पहचान के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो रहिए ना बेखबर, देखिए प्रतापगढ़ जिले की खास खबर नेशनल न्यूज़ आप तक पर कुलदीप कुमार के साथ।